हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। कृषि से जुड़े बिल को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। पंजाब और हरियाणा में किसानों का गुस्सा ज्यादा दिख रहा है, जहां खुद बीजेपी की सहयोगी अकाली दल भी विरोध में उतरी हुई है। कांग्रेस बिल को किसान विरोधी बता रही है, जबकि मोदी सरकार बिल को किसानों के कल्याण वाला बता रही है और विरोध को राजनीति बता रही है। इसी पर बहस के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता जुड़ेंगे। एबीपी न्यूज पर जगदम्बिका पाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और आलोक शर्मा कृषि बिल पर बात करने के लिए जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से। जो कुछ कंफ्यूजन है, सभी अपने अपने तर्क रखेंगे। जगदम्बिका पाल साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। क्यों आखिर कृषि बिल जो है उसका विरोध हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि 2022 तक आय दुगनी होने का दावा कर रहे हैं। देखिए, आज मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष जो विरोध कर रही है, कि सदन में लगातार इस बात की चर्चा करती थी कि साहब जो डॉक्टर एस एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसकी संस्तुतियां लागू होनी चाहिए। डॉक्टर एस एस स्वामीनाथन ने 2006 में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी मनमोहन सिंह की सरकार को और 2014 तक वो ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 5 महत्वपूर्ण सिफारिशें किया था, जिसके 2 महत्वपूर्ण सिफारिश ये थी कि कम से कम किसान का जो प्रोड्यूस हो उसकी उत्पादन लागत का 1.5 गुना उसको दाम मिलना चाहिए। जी, विरोध क्यों हो रहा है जगदम्बिका पाल साहब की बात? मोदी जी की सरकार बनने के बाद अगर उन्होंने ये कदम उठाया कि अब किसान के उत्पाद का उसका जो लागत है उससे 1.5 गुना उनको मिले या किसान की आय को दुगना मिले, तो और विरोध हो रहा किस लिए कि साहब एमएसपी नहीं रहेगी, खरीद सरकारी नहीं रहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, प्रधानमंत्री ने, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जारी रहेगी, सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। अलबत्ता इन दोनों विधेयक के पारित होने से अब केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा, अब लाभप्रद मूल्य मिलेगा। अब वो मंडियों की केवल बाध्यता नहीं होगी कि किसान अपना मंडियों के आढ़तियों को ही केवल बेचे, उसको पूरे भारत में वन नेशन वन मार्केट का एक स्कोप रहेगा कि जहां उसको प्रतिस्पर्धा में ईनाम मार्केट से उसको अधिक से अधिक मूल्य मिले वो बेच सकता है। तो ये तो एक आजादी हुई है किसानों के लिए, सशक्तिकरण का कदम है ये, उनको सुरक्षित करने वाला है, उनको मूल्य देने की एक गारंटी देने वाला विधेयक है और उनके प्रोड्यूस को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, उनके ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट और फैसिलिटेट करने वाला है। एक आध लोग कह रहे हैं साहब ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन चली जाएगी। अरे उस एक्ट को पढ़ लें, जमीन से कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लैंड की कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, ना उसके नेचर को चेंज किया जा सकता है। एक क्रॉप के लिए होगा या एक चक्र के लिए? जवाब ले लेते हैं जगदम्बिका पाल साहब, जवाब ले लेते हैं। आलोक शर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा साहब, जगदम्बिका पाल साहब को आप सुन रहे होंगे, सारे सवालों के जवाब आप दे रहे हैं, फिर विरोध किस बात का? और साथ ही साथ एपीएमसी एक्ट हटाने की बात तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी किसी जमाने में। नहीं, हमने कभी भी नहीं कहा कि एपीएमसी एक्ट हटा लिया जाएगा। मेरे पास मैनिफेस्टो के पार्ट्स भी हैं। जगदम्बिका पाल जी मेरे बड़े सीनियर रहे हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। आपके पूर्व नेता संजय झा भी ये दावा कर रहे हैं ट्विटर पर, वो भी लिख रहे हैं ऑर्डिनेंस। एक मिनट, अरे सर, संजय झा लिख रहे हैं तो क्या उसको सही मान लिया जाए? मेरे पास मैनिफेस्टो की कॉपी है, उसको पढ़ लेते आप जरा, अगर पढ़ने से तो टू प्रमोट फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनीज, कि फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनीज को प्रमोट किया जाएगा, बिचौलियों को नहीं किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस टू एनेबल फार्मर्स टू एक्सेस इनपुट्स, ये सेंटेंस एग्जैक्ट मैं पढ़ रहा हूं। इसके बाद जो मुद्दे की बात आती है, अभी जगदम्बिका पाल साहब ने कहा 1.5 गुना मूल्य, सांसद साहब शायद भूल गए, 700 पेज का एफिडेविट दिया था आप ही की सरकार ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में कि 1.5 गुना मूल्य तो मिल ही नहीं सकता और पिछले 6 साल का एमएसपी कितना बढ़ा है उसको पिछले 10 साल से यूपीए सरकार से तुलना कर लीजिएगा, 27% कम है एमएसपी जो आप लोगों ने बढ़ाया है। सरकार को अब चाहिए कि झूठ बोलना बंद कर दे। 1.5 गुना कैसे मिलेगा जरा बता दीजिएगा। जगदम्बिका साहब पाल, आपने तो पढ़ा होगा ऑर्डिनेंस, आप तो सांसद हैं, उसमें एक सेंटेंस कहीं पर लिखा है जवाब देंगे? कि प्राइवेट कंपनी एमएसपी से कम नहीं खरीदेगी किसानों से? जवाब ले लीजिए। कहीं पर अगर पढ़ा हो तो मुझे बताइएगा कौन से क्लॉज में लिखा है कि प्राइवेट कंपनी जो खरीद करेगी वो एमएसपी से कम पे नहीं खरीद कर पाएगी। अगर ऐसा लिखा होगा तो मैं अभी माफी मांग के उड़ जाऊंगा, नहीं तो जगदम्बिका पाल साहब जवाब ले लीजिए। जगदम्बिका पाल साहब, उन्होंने भी बोला और देश के प्रधानमंत्री भी। आलोक शर्मा जी जवाब ले लीजिए। आलोक शर्मा जी, मैं समझता हूं कि आप ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, मैं ऑर्डिनेंस को भी मैंने देखा है
और जो दोनों बिल हैं, विधेयक है, चाहे वो द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 है, या चाहे द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज 2020 है, ये दोनों बिल मैंने पढ़ा भी है और सदन में उस बिल पे मैंने चर्चा में मैंने भाग लिया है और कांग्रेस के भी सांसद थे, सभी दलों के थे, और शायद मैंने उस बिल के एक एक बात का जो विपक्ष के साथियों ने उठाया, जो बात आप कह रहे हैं, मैंने जिस तरह से जवाब दिया उस जवाब के बाद सभी लोग इस बात पे संतुष्ट थे। और मैं मुझे लगता है आज हरसिमरत कौर जी भी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि MSP रहेगी, सरकारी खरीद रहेगी, तो उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। और आज मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ये अपना मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, मैं उत्तर देता हूँ, बात कर रहे हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की बात कर रहे हैं, हमने 6000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया 10000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम और बनाएंगे। तो ये इनका निश्चित तौर से इन किसानों को हम सशक्तिकरण भी करेंगे और सुरक्षित करेंगे। और आज आप ये बताइए कि अगर हम आदर्श भाई प्रतिस्पर्धा फ्रीडम दे रहे हैं किसान को, नहीं किसान को फ्रीडम दे रहे हैं कि किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो बेचे ही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उसको अगर अधिक मिल सकता है तो क्यों ना भी, तो ये आजादी का है। हमने प्रतिबंध कहां विधेयक में लगाया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ना बेचे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो बेचे, लेकिन हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बाहर जा करके मंडी के और उसको पूरे एक मार्केट में प्रतिस्पर्धा का मौका दे रहे हैं। जगदम्बिका पाल साहब एक बार आलोक शर्मा जी को सुन लेते हैं, वो कुछ आदर जी कहना चाह रहे हैं। आदर जी एक बात पूरी कर लीजिए जिससे आलोक जी का जवाब आ जाएगा, आलोक जी भी अध्ययन करके आए हैं कि आज जो दूसरा विधेयक है उसमें जो एग्रीमेंट होगा स्पॉन्सर से, जो इंडिविजुअल होगा, चाहे उसकी पार्टनरशिप फर्म होगी, कंपनीज होगी, सोसाइटीज होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी ग्रुप्स होगा, उनके साथ जो एग्रीमेंट किसान करेगा या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करेगा वो उपज का नहीं करेगा, बुआई के पहले सोइंग के पहले ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हो जाएगी कि हम आपके उपज की ये कीमत देंगे। तो किसान का ट्रांसफर तो शिफ्ट हो रहा है स्पॉन्सर पे कि अगर फसल खराब भी हुई तब भी किसान को गारंटी रहेगी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बड़ा कितना एवेन्यू दे रहे हैं। इस विधेयक को अगर पढ़ा होता कि ये फार्म सर्विसेज क्या है, फार्म जो दूसरा विधेयक है उस फार्म सर्विसेज में उस किसान को वो स्पॉन्सर्ड सीड देगा, फीड देगा, फॉर्डर देगा, ठीक है, उस पेस्टिसाइड देगा, फर्टिलाइजर्स देगा, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी देगा, इक्विपमेंट देगा। अरे पहली बार कोई इस तरह का विधेयक आया कि जिसमें किसान के खेत पे एक बार सुन लेते हैं जगदम्बिका पाल साहब, आलोक शर्मा साहब बार बार कहना चाह रहे हैं, जो आपने जवाब दिया ऐसा विधेयक आलोक जी कह रहे उठ जाएंगे, हमने कहा क्यों उठ जाए, इनको समर्थन करना चाहिए। आलोक जी बिल्कुल बैठे, मुझे आलोक शर्मा जी साहब एक मिनट अब सुनिए आप जरा, आपने काफी विषय उठाए, आपकी मजबूरी हो सकती है, मैं तथ्यों पर बात करूंगा। क्या इसमें कहीं पर भी प्राइस कैलकुलेशन किसान के हित में है तो हमारे लिए किसी भी बिल में नहीं है? एक मिनट सर, अरे सर सुनिए ना, आपने किसानों का 6 साल से इतना हित कर दिया, मजदूरों का इतना हित कर दिया, जो मजदूर मर गए उनके आंकड़े तक इकट्ठे नहीं कर पाए। अब सुनिए जरा, आप डेढ़ गुना होगा एक लागत का मूल्य और C2 से कैलकुलेशन होगा पूरे बिल में, कहीं है तो क्लॉज मुझे बता दीजिए, हाँ या ना में बता दीजिए मुझे कि ये मेथड होगा हमारा प्राइस कैलकुलेशन का और उसका डेढ़ गुना मिलेगा इस बिल में, कहीं पर कोई सेंटेंस हो तो मुझे बता दीजिएगा। पहला मेरा प्रश्न। दूसरा बात, अगर MSP से कम पर नहीं बेचा जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग MSP से कम नहीं करेंगे, कहीं सेंटेंस अगर ये है तो मतलब मुझे बता दीजिए। आप कह रहे हैं साहब नई जमींदारी प्रथा लेकर आ रहे हैं आप, तो कि एक साल पहले ही किसान अपनी जमीन और अपने मूल्य को गिरवी रख देगा बड़ी कंपनी के पास। कैसे गिरवी रख देगा? कि सारी आपने कहा फर्टिलाइजर भी वो दे देगा, अरे भाई वो खैरात में देगा क्या? आकर जो मुनाफा कमाने के लिए व्यापारी आएगा वो ही ना करेगा। आपने तो होल्डिंग की जो लिमिट है, जो इकट्ठा माल कर सकते हैं उस लिमिट को भी हटा दिया। आपकी सरकार पहले से ही, जगदम्बिका साहब आप कांग्रेस से गए उस समय से बात से तो कह नहीं सकता, उससे पहले तो आप भी यही कहते थे कि पूरी तरह से भाजपा मुनाफाखोरों की सरकार है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप दाल सेव करके रख लेंगे, आप कह सकते हैं दाल को आप जमाखोरी करके रख लेंगे, मतलब क्या इस तरह के शब्दों का आय बहुत कम है और 1 एकड़ जमीन है, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तीसरा, एक चीज साहब, एक चीज दूसरी चीज मुझे केवल ये बता दीजिए, पूरे बिल में
आड़ती से लेकर माशाखोर से लेकर पल्लेदार से लेकर मजदूर से लेकर ढुलाई वाले से लेकर ट्रांसपोर्टर से लेकर आपने किसी का कोई हित किया है? आप केवल चंद मुट्ठी भर जो आपके व्यापारी मित्र हैं उनको आप पूरी तरह से फायदा देना चाहते हैं। आप लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी को भी सबसे बड़ा देशभक्त का काम बता दिया था। जगदम्बिका पाल जी जवाब ले लीजिए। आलोक शर्मा जी कई पॉइंट आपने उठाए, जवाब लेते चले। कोई नहीं सकता। आलोक शर्मा मोदी जी भाषणों में कहते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया कि नहीं दिया? और यहाँ पर 1.5% G2 के मेथड से कैलकुलेट करके आप करेंगे कहीं सेंटेंस से तो मुझे बता दीजिए। जवाब ले लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपने उठाए हैं। उसको क्या सजा मिलेगी? क्या कहीं पर कोई इसमें प्रावधान है? उत्तर आलोक जी, बहुत मुद्दे आपने उठाए, जवाब भी लेते चले। जगदम्बिका पाल साहब कई पॉइंट्स उठाए एक एक करके आलोक शर्मा साहब ने। आदर्श जी, इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप किसान की जमीन को गिरवी रख देंगे। लगता अगर विधेयक पढ़ते तो उसमें मालूम हो जाता कि एग्रीमेंट केवल एक क्रॉप मैंने गिरवी नहीं कहा, मैंने फसल को गिरवी कहा कि एक साल पहले फसल का मूल्य गिरवी हो गया। मैंने जमीन को गिरवी नहीं कहा। अगर फसल के पहले मैंने कहा कि जो फसल आपको मैंने आपकी बात को सुना, आज ही आपने मैंने आपकी बात को सुना, जवाब सुन लीजिए। अगर आपने फसल को गिरवी कहा तो फसल गिरवी कब होती है? जब फसल की कीमत किसान तय करेगा कि हम जो आपको हमारे इस लैंड पे हम सोइंग करने जा रहे हैं या उपज होगी इसकी कीमत हम ये लेंगे। अगर किसान की कीमत पे वो तैयार होगा तब वो चाहे इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कंपनी हो, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट का स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करेगी, उसका इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन होगा, कंसिलेशन बोर्ड होगा। क्या देश को गुमराह कर रहे हैं? ठीक है। और अगर हम किसान को उपज के पहले उसकी कीमत किसान के भाव से तय कर लें तो वो स्वाभाविक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा होगा। आप कह रहे हैं कि कहां उल्लेख है इस विधेयक में कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे मिलेगा? अरे जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का उल्लेख तब करते जब हमें हटाना होता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हम अमेंड करना होता या हमको खरीद नहीं करनी होती। उसका ऑलरेडी जब एपीएमसी है, अब आप बताइए अगर तीन सूची है। ठीक है पाल साहब, मुझे बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय कम है। एपीएमसी एक्ट हटाने की बात तो कांग्रेस भी कर रही थी, 2019 के मैनिफेस्टो में भी जिक्र है, अब क्यों विरोध? बहुत छोटा जवाब, समय कम है सर। नहीं, एपीएमसी आदर्श भाई, एपीएमसी एक्ट को हटाने की बात नहीं थी, उसमें चेंजेस करने के प्रावधानों की बात थी। हम उस पर आज भी खड़े हुए हैं कि किस तरह से जमाखोरों को हटाया जाए, लेकिन ये एपीएमसी एक्ट हटाने की बात नहीं है। ये तो कह रहे हैं एपीएमसी एक्ट तो रहेगा, फिर नहीं, फ्री मार्केट करने की बात है ताकि किसान अपने फसलों को कहीं भी देश भर में बेच सके। जमाखोरी बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी, नहीं फ्री मार्केट तो आज भी है। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले। फ्री मार्केट तो आज भी है, छोटा सा जवाब ले लेता हूं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक एकड़ किसान वाला हरियाणा से लेकर पंजाब में जाकर माल बेच सकता है? समय कम है आलोक शर्मा जी, बहुत कम समय है। जगदम्बिका पाल से एक छोटा रिएक्शन ले लूं आपके जवाब पर। झूठ बोल रहे हैं, पहले हमारे नेतृत्व पर आदर जी, और आदर्श जी नहीं, आज भी तो आजादी है। जगदम्बिका साहब क्या आजादी नहीं है कि एक जिले से दूसरे जिले में जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, छोटा समय कम है। किसान भाई एक सवाल आपने उठा के जवाब ले लिया हुआ है, क्या पांच बोरी को लेकर वो दूसरे जिले में जाएगा? क्या सर जी, ये कह रहा हूँ, माफी के साथ रोक रहा हूँ, बंद से कहिए, बंद करें। आलोक जी, आदर्श जी ये कह रहे हैं, मैं हम सोच रहे हैं अभी भी उसमें उसके कुछ प्राविधान को चेंज करने की ये सोच रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उस पे फैसला कर लिया कि आज किसानों को अगर मंडी से बाहर बेचना चाहे तो सोचना तो शब्द मंडी से बाहर बेचना चाहे तो 8.5% पंजाब में मंडी का टैक्स लगता है, उठा के यूपी से बिहार में जाकर बेचेगा क्या? और 2006 में जो आलोक जी जवाब लेने दीजिए, समय बहुत कम है, आपने अपनी बात कह ली। जगदम्बिका पाल साहब अपनी बात कह लेने दीजिए। पाल साहब जल्दी, स्टेट का एग्जम्पशन नहीं रहेगा, स्टेट का कोई टैक्स नहीं रहेगा, मंडी समिति से में 8.5% पंजाब में देना पड़ रहा है, उससे छूट किसान को मिल जाएगी, किसान को स्टेट के कोई लॉ या स्टेट का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो सोच रहे हैं, हमने आज किसान को फ्रीडम दे दिया कि किसान अपने उत्पाद पे जो अभी तक तमाम कोई स्टेट का टैक्स नहीं लग रहे थे, मंडी का रीजनल डेवलपमेंट का है और उसको रीजनल डेवलपमेंट होता है और वो फेडरल स्ट्रक्चर पर पूरी तरह से बहुत धन्यवाद आपका पाल साहब और आलोक शर्मा जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना अपना पक्ष रखने के लिए। इस कृषि बिल को लेकर जो कंफ्यूजन बना हुआ है उस पर दोनों ही दलों के लोग अपना अपना पक्ष रख रहे थे।